पलवल नेशनल हाईवे 19 के निकट आहलापुर स्थित पेट्रोल सरला पंप पर एक स्विफ्ट गाड़ी तेल का टैंक फुल करवाने के बाद मौके से भाग निकली। गाड़ी के चालक ने पेट्रोल के पाइप को भी निकालने का समय नहीं दिया। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि एक स्विफ्ट गाड़ी पेट्रोल पंप पर खड़ी पेट्रोल भरवा रही है। जैसे ही पेट्रोल फिल हुआ, गाड़ी चालक ने गाड़ी दौड़ा दी और पेट्रोल पाइप को निकालने का भी कर्मचारियों को समय नहीं दिया, जिसके चलते पेट्रोल कर्मचारी और वहां खड़े एक ग्राहक को गंभीर चोटें आई हैं। पेट्रोल पाइप को पकड़े हुए वो कर्मचारी आगे घसीटता हुआ गया, जबकि वहां खड़े ग्राहक के गले पर पाइप टकराई और वो दम करके नीचे गिर गया। सबसे पहले आप ये सीसीटीवी देखिए और पूरे हादसे को समझिए। आपको बता दें, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने घायल को अस्पताल भर्ती करवा दिया है, जहां उसको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उसकी शिकायत पुलिस को कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस गाड़ी की तलाश कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर पेट्रोल पंप मालिक ने क्या कहा, आपको ये सुनाते हैं। ये 2700 रुपए का तेल लेके भागे हैं, ये फेक एक है, उन्होंने ये एटीएम कार्ड दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतने उसने पैसे मांगने की क्या एकदम से भागे, जिसकी वजह से खिंचाव बनकर जो डिस्पेंसर का वो था, अपना नोजल था, वो जो साथ में एक और आदमी भाई पेट्रोल लेने आया हुआ था उसको आके लगा, उसे काफी गंभीर चोट आई। वैसे वो स्टेबल है, ठीक है। कितने बजे की शाम की घटना है जी। पुलिस को शिकायत दी है? पुलिस को कंप्लेंट की, वहां उनको चौकी पे कंप्लेंट दी। इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है। बता रहे 15 दिन पहले सीएनजी लेके भागे थे। उससे पहले भी घटना हुई थी, उसमें तो पता चल गया था, आ गए थे हम लोगों के। तो इस तरह की क्या कहते हैं, पहले क्या नंबर नहीं होता गाड़ी पे, किस तरह की? देखिए, अब मैंने जो अब तक देखा है, जो बिना नंबर की गाड़ी इस तरह की वारदात कर रही है ना, और एक नया एक सिस्टम चलाया है कि आपको जैसे पैसे का ट्रांजैक्शन आईडी देते हैं, जैसे और एक और सिस्टम इससे भी चलाया कि एक ट्रांजैक्शन आईडी दिखाते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर बैंक की आईडी की तरह दिखती है, उसमें यूटीआर नंबर भी होता है जो कि फेक होती है। उस तरीके के भी हम लोगों के साथ अभी बड़ी घटना हुई है, तो उसका भी हम। कितने लोग थे गाड़ी में? जो 3 लोग थे इस गाड़ी में। पता चल पाया? नहीं, अभी तक नहीं पता चला।